नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं हाउसिंग फाइनेंस में काम करने वाली HDFC लिमिटेड के बारे में। शेयर प्राइस में भारी तेजी देखने को मिल रही है, 8% के ऊपर हमें ये क्लोज होता हुआ नजर आता है। और जैसे कि आपको पता है, कोई स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी तो है नहीं कि ये नॉर्मल होता है, लार्ज कैप कंपनी है, 8% की भारी तेजी देखने को मिल रही है। तो कोई ना कोई रीज़न भी ज़रूर होगा, तो क्या है ये रीज़न वो भी जानेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी मौका हाथ से नहीं निकला है, अभी भी मौका है, यहाँ पर हम इन्वेस्ट सकते हैं। ज्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है, कौन से लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से लेवल का वेट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर कई रीजंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके वजह से तेजी देखने को मिल रही है, जिसमें से एक रीज़न है कि CLSA ने यहाँ पर आउट परफॉर्म का कॉल दिया है यहाँ पर स्टॉक पर। ये चीज़ें तो होती रहती है, रेटिंग एजेंसी का काम है यहाँ पर आउट परफॉर्म अंडर परफॉर्म यहाँ पर अलग अलग कॉल्स देते रहना। लेकिन ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ऑफकोर्स थोड़ा सा हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिली जाती है। तो 2100 पर शेयर का टारगेट हमें CLSA ने यहाँ पर दिया है, जो कि पॉजिटिव बात शेयर के लिए बनकर आती है। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि कंपनी ने कहा है कि जो लोन एप्लीकेशन उन्होंने रिसीव किया है जुलाई से सितंबर 2020 के पीरियड में, यानी कि क्वार्टर टू का जो समय गया है, जुलाई अगस्त और सितंबर का क्वार्टर, वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है 12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस की। और अगर बात करें इंडिविजुअल लोन अप्रूवल के बारे में, तो वहां पर भी 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यह एक काफी अच्छी बात है, अगर COVID-19 के समय में कोई NBFC अच्छा परफॉर्म कर पाती है। अरे मैं तो कहता हूं कि जो पिछले साल का हम कंपैरिजन करते हैं, उसमें सिर्फ 5% की अगर गिरावट होती है तो भी अच्छा परफॉर्मेंस ये तो है। यहां पर तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हमें यहां पर दिखाई देती है। और यहां पर HDFC लिमिटेड का कहना है, उन्होंने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि ये जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी देखने को मिल रही है जब से हमें ये पैंडेमिक आता हुआ नजर आता है, COVID-19 आता हुआ नजर आता है, तो सितंबर 2020 का जो मंथ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अगर कंपनी की तरफ से ऐसी यहां पर अच्छी कमेंट्री हमें आती हुई नजर आएगी, तो ऑफकोर्स शेयर में तेजी देखना भी यहां पर वाजिबी है। सितंबर 30, 2020 के क्वार्टर में HDFC ने लोन्स जो अमाउंट असाइन किए हैं वो है 3026 करोड़ का, जो कि 7160 करोड़ था। करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस एक साल पहले हमें 7160 करोड़ का असाइन लोन्स अमाउंट होता हुआ नजर आया था, जो कि हमें फिलहाल 3000 करोड़ के आसपास नजर आता है। और इंडिविजुअल लोन डिसबर्समेंट्स हमें यहाँ पर 95% ऑफ द लेवल हमें दिखाई देता है। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात करें, तो प्री COVID-19 जो सिचुएशन थी उसके आसपास हमें पहुँचने की पूरी कोशिश यहां पर HDFC लिमिटेड करती हुई नजर आती है। और यहां पर ऑलरेडी पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट कर रहा हूं, यहां पर एकदम तो पहुंच चुका है ऐसा नहीं कह पाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट अपने प्री कोविड लेवल्स पर ये पहुंचता हुआ नजर आता है। तो ऑफकोर्स शेयर में भी तेजी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये जो NBFC है, हाउसिंग फाइनेंस की जितनी भी कंपनीज है, ज्यादा भागती हुई नजर नहीं आई थी, और स्पेशली HDFC तो काफी ज्यादा हमें एक ही रेंज में फंसती हुई नजर आ रही थी। और यहां पर एक पॉजिटिव न्यूज आती हुई नजर आ रही है, तो ऑफकोर्स शेयर में तेजी भी हमें देखने को मिलने वाली थी। शेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे HDFC लिमिटेड ऑफकोर्स एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 3,21,000 करोड़ के आसपास का है, तो छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है। 1,934 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमें दिखाई देता है, जो कि 8.5% के आसपास की भारी तेजी आज ही हमें दिखा चुका है। अगर बात करें यहाँ पर रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो 1 वीक में स्टॉक ने 6% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। 1 ईयर्स के बारे में बात करें तो 9% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, तो 41% के नेगेटिव पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें की मैट्रिक्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे PE रेशियो है 14.38, जबकि सेक्टर का PE 20.23 दिखाई देता है। तो यहां पर सेक्टर के मुकाबले अभी भी सस्ता दिखाई दे रहा है, यहां पर मार्केट लीडर है, इसका जो मार्केट शेयर है यहां पर हम कह सकते हैं कि अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर हमें दिखाई देता है। अगर बात करें सेक्टर के प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में, तो वो है 1.78, अगर इसके प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो वो है 2.31। तो यहां पर ऑफकोर्स प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक भी प्रीमियम है, धमाकेदार स्टॉक दिखाई देता है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर लिया है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 1.17% की शानदार डिविडेंड यील्ड हमें यहां पर दिखाई देती है, जो कि सेक्टर के मुकाबले हमें ज्यादा दिखाई दे रही है, अच्छी बात है। यहां पर कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो जैसे कि आपको पता है ये
कामकाज करती है, फॉर द लोन्स देती है, और परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज, कमर्शियल रियल एस्टेट एंड सर्टन अदर पर्पसेज इन इंडिया। तो ऑफकोर्स हाउसिंग फाइनेंस में कामकाज करने वाली कंपनी है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो लगातार हमें ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और ये सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स करोड़ में दिए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कामकाज है कंपनी का। और अगर इतना बड़ा कामकाज होता है उसके बावजूद ग्रोथ देखने को मिले तो वो काफी ज्यादा अच्छी बात हमें यहां पर दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चार्ट्स पर जाने से पहले जरा यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी भी देख लेते हैं। तो 46.29% की स्ट्रांग डिलीवरी हमें दिखाई दे रही है। अगर 30 से ऊपर दिखाई देती है तो हम समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिलीवरी परसेंटेज दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 1500 के लेवल पर जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला, उसके बाद हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन वापस उसी लेवल पर स्टॉक हमें रीविजिट करता हुआ नजर आया था जब हमने आपको बाइंग का रेकमेंडेशन भी दिया था, आपको पता ही होगा। उसके बाद अच्छी खासी हमें तेजी भी देखने को मिली, बाद में ये स्टॉक हमें एक ही रेंज में फंसता हुआ नजर आया था। 2-3 महीनों से स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला ही नहीं, एक ही रेंज में फंस चुका था। 1700 से 1900 का लेवल इसका रेंज हो चुका था, लेकिन हमें जब मार्केट में अभी फिलहाल ही गिरावट देखने को मिली, जब निफ्टी 50 10,800 की ओर आता हुआ नजर आया था, तो इसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली। 1600 के आसपास, 1625 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस हमें स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है, और इसने अपना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए तो तोड़ दिया है, जो कि है इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज। अब देख पाएंगे ये लेवल काफी दिनों से इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का कामकाज कर रहा था, और ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1887.75 के आसपास का लेवल। ये लेवल टूट चुका है और उसके बाद अच्छी तेजी भी हमें देखने को मिली है, लेकिन एक और लेवल है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, जो कि करंट मार्केट प्राइस ही है। यहां पर 1,950 के आसपास का जो लेवल है, काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह हमें काफी समय से यहां पर दिखाई दे रहा है, तो इस लेवल को हमें बहुत ही ध्यान में रखने की जरूरत है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, 62.59, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें यहां पर देखने को मिली है। अगर बात करें यहां पर इसके आरएसआई के नंबर के बारे में, तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 69.67, यहां पर भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अब देख पाएंगे मार्च के क्रैश के बाद इतना ज्यादा स्ट्रांग हमें आरएसआई का नंबर कभी भी देखने को नहीं मिला है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। एमएसडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएसडी में ऑफकोर्स बुलिश क्रॉसओवर ही देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें यहां पर इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और अपर बैंड को तोड़कर हमें बहुत ही ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड का लेवल है 1616 का लेवल, मीडियन है 1739 का लेवल, अपर बैंड है 1862 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1749 का लेवल। एक पिवट रेजिस्टेंस टूट चुका है, जो कि है 1875 का लेवल। ऊपर जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है वो 2010 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहां पर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है, तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है, जब भी करेक्शन देखने को मिला तो 20 मंथ्स का ईएमए और 50 मंथ्स का ईएमए ऐसे स्ट्रांग सपोर्ट हमेशा हमें दिखाई दिए हैं, और फिलहाल 20 मंथ्स का ईएमए करंट मार्केट प्राइस के आसपास बनकर आता है, और 50 मंथ्स का ईएमए है 1788 के आसपास का लेवल। अगर बात करें यहां पर पोजीशंस के बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। लॉन्ग नीचे आपने पोजीशन बना रखी है, अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। यह लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर यह टूटता है तो और भी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अगर यह लेवल नहीं टूट पाता है तो हमें यहां वापस हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब बात करें यहां पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो हमने आपको यहां पर फ्रेश बाइंग रेकमेंड की थी। यह लेवल जो हमने आपको बताया था काफी स्ट्रांग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया था, 1700 का लेवल, तो हमने यहां पर भी रेकमेंड किया था, और दूसरा सपोर्ट हमने बताया था 1600 के आसपास का लेवल, तो उसी के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो यहां पर आई होप आपने बाइंग की होगी, लेकिन अगर आपने नहीं की है तो अभी भी मौका नहीं गया है। स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर बात करें फ्रेश बाइंग लेवल्स के बारे में, तो आर या पार वाला मामला है, अगर यह लेवल टूट जाता है करंट मार्केट प्राइस का लेवल, अगर यहां पर फिर से एक बार ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, तो यहां पर आप
फिर से फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं और वापस आपको जैसे बताया टेक्निकल एनालिसिस में अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यही लेवल बाद में हमें सपोर्ट की तरह दिखाई देगा और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है और स्टॉक वापस नीचे आता है तो कौन से लेवल से जिस पर आपको फोकस बनाकर रखना चाहिए वो लेवल है 1750 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं 1700 से 1800 के लेवल पर, जहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं अगर रेजिस्टेंस फेस हो जाता है तो। अगर रेजिस्टेंस टूट जाता है तो आप यहाँ पर ऊपर भी पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट का रूल यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर बात करें दूसरे सपोर्ट के बारे में तो दूसरा सपोर्ट 1600 के आसपास बनकर आता है, तो 1600 से 1700 के लेवल पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं। ये दो लेवल्स है जो कि अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर कायम रहता है और अगर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो इन लेवल्स पर आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, और रेजिस्टेंस टूट जाता है तो ऊपर भी आप ब्रेकआउट के बाद भी पोजीशन बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।